हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज दी अपडेट है जी पी एस टेट मास्टर कैडेट एंड ई टी टी कैडेट रिलेटेड। सो जो स्टूडेंट ई टी टी एंड बी एड के अपीयरिंग है वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो रिलेटेड न्यूज़ अभी इस वीडियो डिस्कस करेंगे। सो वीडियो ने अड तक देखते रहो एंड जेकर तुम मास्टर कैडेट पी एस टेट ई टी टी कैडेट या इस तरह पंजाब के टेस्ट की प्रैपरेशन कर रहे हो तो चैनल में सबसक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लियो क्योंकि इस तरह की प्रैपरेशन तुम इस चैनल पर करवाई जाती है। हाँ जी, तुम न्यूज़ में देख लेंगे। हाँ तो जी, चौथे सैमेस्टर के पी एस टेट 2018 पास विद्यार्थियों ने संबंधित सूचना समूह विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन्हों विद्यार्थियों ने पी एस टेट 2018 पास किया जिन्हों विद्यार्थियों का बी एड का चौथा सैमेस्टर चल रहा है अजिहे विद्यार्थियों को कोविड 19 की महामारी करके चौथे सैमेस्टर की प्रीख्यावान जो कि मई 2020 होनिया सगिया लेट होने कारण मौजूदा 2182 मास्टर कैडर पोस्टा एंड नाल ही ई टी टी दी 1664 पोस्टा की गल करिए उन्हें अप्लाई करने का मौका नहीं दिता गया क्योंकि इसकी जो आखिरी मिति से 2/6/2020 असी इस संबंधी बाबत वकील ने सलाह ली है। जो भी विद्यार्थी इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने विद्यार्थियों लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ विखे केस लगा जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी इन्होंने भाग लेना चाहते हो इन्होंने नंबर का संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी, तो नंबर दिए गए इन्हों का कॉलिंग टाइम है 9 AM to 8 PM तो इन्हों के उपर तुम कॉल कर सकते हो जेकर केस लगाते हो तो इन्होंने पोस्टों की फिल करने की तरीक बताई जा सकती है जिन्हों के नाल तुम इस पोस्टों को फिल कर सकोगे। सो इस इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करो। आई होप थोड़ी इनफॉर्मेशन वधिया लगी होगी एंड इस तरह पंजाब जॉब्स की प्रिपरेशन लिए चैनल में जरूर सब्सक्राइब कर लियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।